मीरा या करेक्ट। और इनके पुराने सीए ने जीएसटी फाइल नहीं किया है, बहुत ही पुअरली मैनेज अकाउंट्स हैं इनके। शीतल जस्ट वन सेकंड। हाँ हाँ अभी प्लीज जल्दी से कमरे में आओ, आई नीड यू। अरे अभी आई एम ऑन अ कॉल, मैं खत्म करके आती। अरे कॉल बाद में कर लेना, प्लीज जल्दी से कमरे में आओ, मेरा हो गया है। मेरा भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, जस्ट गिव मी सम टाइम यार। वैसे आज सुबह सुबह बड़े रोमांटिक मूड में हो। रोमांटिक? हाँ याद है ना पहले कैसे जब मैं किचन में हुआ करती थी तो तुम बेडरूम से कॉल करके मुझे आई लव यू बोला करते थे। चलो आज मैं बोल देती हूँ आई लव यू। आई लव यू टू मीरा, रोमांस बाद में कर लेना प्लीज, अभी मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं कॉल पे हूँ, खुद पानी ले लो। अरे मीरा मैं कमोड पर बैठा हूँ, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, आई नीड टू क्लीन माई सेल्फ। क्या बात कर रहे हो, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है? तुमने वॉचमैन को कॉल किया? अरे वॉचमैन मुझे पानी लाकर देगा? अरे करता हूँ उससे बात बाद में यार, अभी पानी लाकर दो मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट। या हाय शीतल, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल कॉल यू बैक, समथिंग अर्जेंट नीड्स माय अटेंशन। या ओके थैंक्स बाय। मेरा फ्रिज का पानी क्यों लाई हो? पीना नहीं धोना है। अरे पानी ही नहीं है घर में, बॉटल्स भी सारी खाली पड़ी है, लकीली फ्रिज में ये एक बॉटल पड़ी थी। अच्छा सुनो, बॉटल को डायरेक्टली मत यूज करना, मग में निकाल के यूज करना प्लीज। ऑफ कोर्स। सब कुछ सुन हो गया यार, कश्मीर में पता नहीं लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। मिसेज चौकसी, पंप रूम में रिपेयर का काम चल रहा है, शाम को 8-9 बजे तक पानी आ जाएगा। अरे तो आप अपने कुत्ते अपने बच्चे को शाम को नहला लीजिएगा, मैं भी शाम को ही नहाने वाला हूँ। फोन काट दिया? अरे कमाल है यार, लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे, ऐसे अकाल पड़ गया हो। सुबह से 10 फोन आ गए हैं मुझे, आप कमेटी मेंबर हो, कुछ करो कुछ करो। अरे मैं क्या कुआं खोद दूं? टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर है अभी, लोगों को चीजों की वैल्यू सिर्फ तब समझ में आती है जब उन्हें मिलती नहीं। एक और अननोन नंबर, पता नहीं कौन फोन कर रहा है। ला मैं बात करती हूँ। ला, ला, ला। पानी रात को 9 बजे के बाद आएगा, सुखावट के लिए खेद है, धन्यवाद। मेरा प्रेरित बोल रहा हूँ। ओ हाय प्रेरित, हाउ आर यू? ये कौन सा नंबर है तेरा? अरे वो सब छोड़ो यार, एक इमरजेंसी है। क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? नथिंग इज ओके, मॉम डैड को पता नहीं क्या हो गया, आई नीड योर हेल्प। ओ आई एम सो सॉरी, हम सब है तुम्हारे लिए प्रेरित, हौसला रखो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन दोनों को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, प्लीज उनसे बात करो। या श्योर ओके ठीक है बाय। क्या हुआ? प्रेरित का फोन था। आप लोग क्या लेंगे अंकल आंटी? सर पानी। पानी के अलावा क्या लेंगे आप? कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नारियल पानी, छाछ, लस्सी। अरे मेरा वो फ्रिज में जूस रखा है ना, वो ले आओ। हाँ नहीं रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओके प्रेरित बता रहा था कि आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। बेटा मैं बहुत जी चुकी हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ शांति से। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस दुनिया में इतना बड़ा कोई भी दुख नहीं है जिसकी वजह से आप इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की सोच रही हैं। आप बताइए ना प्रॉब्लम क्या है, हम ढूंढेंगे ना उसका सलूशन। हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे हिम्मत हारने से थोड़ी ना काम चलेगा। मैंने फैसला कर लिया। अरे अंकल आप तो कुछ बोलिए, आप चुप क्यों हैं? मैं क्या बोलूं, ये कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं, सोच समझ के फैसला किया होगा।
तो मतलब यू आर ओके विद इट? जाने वाले को कौन रोक सकता है? इसका जाने का टाइम आएगा, वो जाएगा। मैंने प्रेरित से कहा था कि बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं। बुकिंग्स? हाँ, मैं जा रही हूँ अकेले सबसे दूर हिमाचल। लाइक अ सोलो ट्रिप? सोलो ट्रिप नहीं, अब मुझे बाकी की जिंदगी भी सोलो जीनी है। बहुत हो गया, हम साथ साथ हैं, अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मतलब I'm done? मतलब 35 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी भी। हमारी शादी को 35 साल हो गए। शादी के पहले दिन से जिम्मेदारियों के चक्कर में मैं ऐसा फंसी कि निकल ही नहीं पाई, हमेशा दूसरों के लिए जीती रही। पति, सास ससुर, बच्चे, आगे फिर उनके बच्चे, फिर समझ में आया कि ये चक्रव्यूह टूटने वाला नहीं है और मैं अभिमन्यु नहीं हूँ। अभिमन्यु तो मैं हूँ। मेरा मतलब है मुझे इस चक्रव्यूह में फंसना ही नहीं है, मैं इसे तोड़कर जा रही हूँ अपनी खुशियां ढूंढने। पर फिर परिवार की खुशियों का क्या? वही तो प्रॉब्लम है बेटा, सारी जिंदगी मैंने दूसरों की खुशियों में खुश होकर निकाल दी, पति की सक्सेस में, बच्चों की अचीवमेंट्स में। फिर जाके समझ आया कि मेरी खुशियां तो मेरे अंदर है। तो आप बाहर क्यों जा रही आंटी? बाहर जाकर अपने अंदर की खुशियां ढूंढने। अंकल आप कुछ तो बोलिए, चुप क्यों हैं? What should I say? She is an adult, उसको अपने फैसले लेने का हक है, और मैं इसके हाथ नहीं जोड़ने वाला हूँ, इसके कदमों में बिछने वाला नहीं हूँ कि मत जाओ प्लीज रुक जाओ। बिछ भी जाओगे तो भी मैं रुकने वाली नहीं। तो मतलब आप अंकल को रौंदते हुए चले जाएंगे? जाऊंगी क्या, जा रही हूँ। अरे तीर कमान से निकल चुका है, ship has sailed। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताती जाइए कि आप कब तक वापस आएंगी? पता नहीं, बट यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा फॉर लाइव अपडेट्स। अरे ये तो सच में चली गई। गई सिमरन गई, जीने अपनी जिंदगी। अंकल दिल छोटा मत कीजिए, देखिए आप ही ने अभी कहा था ना कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। तुम लोग ना अब अपने आप को रिलेशनशिप गुरु बोला छोड़ दो। रोका नहीं गया तुमसे सिमरन को, ऐसा हाथ पकड़ के अंदर नहीं ला सकते थे। अंकल हमने कोशिश की ना। अब देखिए आपके साथ रहती तो भी घुट घुट के जीती ना। अच्छा अब आप क्या करेंगे उनके बिना? जीऊंगा घुट घुट के, और क्या, पता नहीं लाइफ क्या डस्ट ले रही है, पता नहीं क्या ले रही। अंकल there's a lot to life। क्या? I mean आप इसे लाइफ का टेस्ट मत समझिए, टेस्ट मैच समझिए। अभी आपकी सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई है, सेकंड इनिंग्स तो अभी बाकी है। मैं तो कहता हूँ अंकल आप फिर से बैट उठाइए और छक्के छोड़ा दीजिए। बेटा अब इस उम्र में मैं क्रिकेट विकेट नहीं खेल सकता यार। अरे क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अंकल, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। There's so much to life. Find a new interest. आप नए लोगों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए. Find a new hobby that will keep you busy. I'm telling you. नहीं बेटा ये सब मुझसे नहीं होगा। सिमरन के साथ 35 साल इन्वेस्ट करने के बाद में मार्केट क्रैश, रिटर्न जीरो। बड़ा रोने वाले को पानी पिलाते हैं। पानी नहीं है अंकल। कैसे दलितर लोग हैं यार तुम? अरे अंकल आप गाली क्यों दे रहे हैं हमें? अरे यार छोड़ो यार, काहे की गाली। अरे लोकेश प्लीज कम इन। टाइम क्या हुआ है? टाइम 10 बज रहे होंगे यार, तुम यहाँ पे टाइम पूछने आए हो? नहीं ये सुबह से क्या खेल चल रहा है? खेल अब इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है और तो कुछ नहीं। मेरी कल सुबह दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं कैसे जाऊंगा? ऑफ कोर्स फ्लाइट से यार। और हाँ एयरपोर्ट टाइम से पहुंच जाना, आजकल सिक्योरिटी चेकिंग में ना बहुत टाइम लगता है और फॉग की वजह से ना फ्लाइट्स बहुत डिले हो रही हैं, इसलिए कंट्रोल योर एंगर, पायलट को गुस्से में मार मत देना, पता चले दिल्ली की जगह ही और ही ले गए तुम्हें। वेरी फनी है ना। मैं पहुंचूंगा कैसे यार, गाड़ी से या फिर कैब से? ये सब सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहाऊंगा कैसे यार? ओह सो दिस इज रिलेटेड टू द वाटर प्रॉब्लम। टाइम, खेल, सरकाज़म। फाइनली समझ आया ना तुमको? देखो लोकेश
मोटर रिपेयर कराने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पा रही है, इसलिए नई मोटर ऑर्डर की है। कल सुबह तक आ जाएगी, 3-4 घंटे इंस्टॉल करने में लगेंगे, तो आई थिंक शाम को 4-5 बजे तक पानी आ जाना चाहिए। मतलब मैं दिल्ली अपनी मीटिंग के लिए बिना नहाए चला जाऊं? अरे तो दिल्ली जाके ना लेना यार। आई हैव अ ब्रेकफास्ट मीटिंग, मेरे को डायरेक्टली एयरपोर्ट से मीटिंग के लिए जाना है। अरे तो मीटिंग के बाद ना लेना यार। उसके बाद मेरी फ्लाइट है बैक टू मुंबई। वो तो और भी अच्छा है, यहाँ पर आकर ना लेना, तब तक पानी आ जाएगा। मतलब मैं सुबह मीटिंग के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, बिना नहाए, बिना माथा टेके, बिना दिया करे ऐसे ही चला जाऊं, और मीटिंग में मेरा प्रपोजल पास नहीं हुआ तो आप जिम्मेदारी लेंगे उसकी? अरे लोकेश, हमारे घर पर भी पानी नहीं आ रहा है और हम लोग भी बिना पानी के मैनेज कर रहे हैं ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है ये भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। समझ में आई आपको बात? अरे मेंटेनेंस का पैसा हम भरते हैं कि नहीं भरते? मेंटेनेंस आपने लास्ट मीटिंग में भी बढ़ा दिया था, लेकिन हमने कभी कुछ बोला? हर बार पैसा भरते हैं कि नहीं भरते? ये कैसे बात कर रही है मुझसे? हाउ आर यू टॉकिंग टू मी? एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू टॉकिंग टू माय हस्बैंड? हां, कमिटी मेंबर का जॉब पेड जॉब नहीं होता है, वॉलंटरी जॉब होता है, फिर भी टाइम निकाल कर रहे हैं ना लोग। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो, और अगर चिल्लाना है ना तो कमिटी ऑफिस जाकर चिल्लाओ, ये मेरा घर है, आउट। मैं जाके शोर मचाऊंगा, अभी आपको आना पड़ेगा नीचे। जाओ ना, जाओ। आइए नीचे आके मिलिए मेरे से, और बाकी मेंबर्स को भी लेके आइए। अरे मेंटेनेंस भरते हैं भाई, हमको पानी चाहिए। अरे हम नहाएंगे कैसे? तुमने तो उसको इतनी बुरी तरह से डांट कर भगा दिया है यार, वो सोसाइटी में जाके इशू बनाएगा। हमारे घर पे आके इशू क्यों बना रहा था वो? हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या उससे? अरे he was frustrated यार, because of the water problem, everybody is, so it's okay, no, I was handling it. फिर भी he doesn't have a right to come and shout at you. Of course, I know he doesn't. लेकिन तुमने आज बिल्कुल शेरनी की तरह मुझे उसके चंगुल से बचा लिया। Of course. मतलब उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि शेर से ज्यादा खतरनाक शेरनी होती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सिमरन हंटी, आप वापस आ गई? क्यों? I mean, कब आई आप? आज अभी इसी वक्त, हमेशा हमेशा के। हेलो। अरे पर आप तो कह रही थी पता नहीं कब वापस आऊंगी। 15 दिन में ही पता चल गया। क्या? कि सब हाइप्ड है, सोलो ट्रिप, सोलो ट्रैवल, लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, सब बकवास है। कोई बात करने वाला तो चाहिए ना, दुनिया ऐसे ही तो नहीं कहती है एक से भले दो। अकेले पूरी टैक्सी का भाड़ा दो, सुबह चाय मंगाओ तो वो 2 चाय भेजता है, और खाना ऑर्डर करो तो एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं मंगा सकते, खाना वेस्ट होगा ना। पर से 15 दिन से बाहर का खाना खा कर मेरा तो पेट ही खराब हो गया। और मुझे ना वो पोयम याद आ गई। पेट खराब पर कौन सी पोयम है? वो चिड़िया वाली पोयम, देख लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। ये तो हमारा घर है। आप अपने घर क्यों नहीं गई? किस मुंह से जाती, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, 15 दिन में अकल ठिकाने आ गई, निकल गई सारी हेकड़ी। मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए, मेरा पैचअप करवा दो। अरे पैचअप तो उनका होता है आंटी जिनका ब्रेकअप होता है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो तो खुद ही आपसे मिलने के लिए उतावले हो रहे होंगे। पता है आपके जाने के बाद कितने इमोशनल थे वो? He was almost on the verge of crying. Yes. आप तो बस रेडी हो जाओ, आपका नाम सुनकर तो वो चले चले आएंगे। दौड़े चले होता है बेटा, अब इस उम्र में कहाँ दौड़ेंगे, इसलिए चले चले। एनीवे, बैंड बाजा लेकर आएंगे आपके स्वागत में, आप बस तैयार हो जाइए, आपकी फिर से डोली उठने वाली है, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। अच्छा सुनो सुनो, उनको ये नहीं बताना कि मैं घर वापस आना चाहती हूँ, इनफैक्ट ये भी मत बताना कि मैं आ चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो मुझे सुनाएंगे ना बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, निकल गई सारी हेकड़ी। अरे तो अभी आपने खुद ही तो वही चीज कही ना। मैं बोल सकती हूँ ना, वो नहीं। तो फिर हम उन्हें क्या बताएंगे? वो तो तुम सोचो, रिलेशनशिप एडवाइजर्स तो तुम हो ना। प्लानिंग